प्रेज द लॉर्ड, वेलकम टू संडे स्कूल होसाना मसीह एकलिसिया। आज है 16 नवंबर थर्सडे और आज व्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे पढ़ाई से। इंडिया का मैप रीड करेंगे जो कि हम लगातार करते आ रहे हैं बीते दिनों से। लद्दाख दी कैपिटल आ लेह, लद्दाख दी कैपिटल जम्मू कश्मीर दी जम्मू ते श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश दी शिमला, पंजाब ते हरियाणा दी चंडीगढ़, उत्तराखंड दी देहरादून, उत्तर प्रदेश दी लखनऊ, लखनऊ राजस्थान दी जयपुर, गुजरात दी गांधीनगर, गुजरात दी गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, गोवा दी कैपिटल आ पानाजी, कर्नाटका बेंगलोर, केरला थिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश दी अमरावती, तेलंगाना दी हैदराबाद, उस तो बाद छत्तीसगढ़ दी रायपुर, ओडिशा दी भुवनेश्वर, झारखंड दी रांची, बिहार दी पटना, वेस्ट बंगाल दी कोलकाता, सिक्किम दी गैंगटॉक। आज असी नाल एक होर स्टेट जड़ी ऐड करनी है, इंद्रियास ने समझने के लिए यहाँ पे अपने कुछ टाइम टेबल्स लगाए हैं और जैसे मैथ्स के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं या वो यहाँ पे लिखे हैं ताकि बार बार बुक के पेज पलटने की जरूरत ना पड़े। जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल्स होते हैं अलग अलग एंगल्स के ऊपर उनकी वैल्यूज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेकंड और कोसेकंड थीटा। उसके अलावा यहाँ पे टाइम टेबल है डेली क्या क्या करना है। उसके अलावा ये ट्रिपलेट्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, महीने का इन्होंने बनाया है कि रोज कौन कौन सा टेस्ट, इन्होंने किस किस एक्सरसाइज का टेस्ट देना है, डेली इनका टेस्ट होता है मैथ्स का, वो इन्होंने चार्ट यहाँ पे लगाया है। आप भी अपना टाइम टेबल बना सकते हो, चीज़ों को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो एक सिस्टम में ताकि आपका पढ़ाई करने का तरीका जो है बहुत ही बेहतर हो सके पहले से। आपके पास एक रिकॉर्ड भी हो कि आपने इन दिनों में, बीते दिनों में आपने क्या क्या काम किए हैं ताकि आने वाले दिनों में आप अपने आप को और इम्प्रूव कर पाओ। और अभी इंद्रियास ने ये याद किए हैं बहुत ही शब्दां दी था, एक शब्द पंजाबी ग्रामर में वन वर्ड इन्होंने याद किए हैं, दूसरे लोगों का भला करना, जेड़ा दिल खोल के दान देवे, जो कदे थके ही ना, जेड़ा किसे दी कीती नेकी ना जाने, जेड़ा सुभाव वल्लो ही मस्त मलंग होवे, जेड़ा दिल दियां जानदा होवे, जेड़ा कदे भी ना टुटे, जेदी औलाद ना होवे, जिस दी औलाद होवे, जेड़ा हर वेले चढ़दी कला विच रहे, जदों बहुत देर मीह ना पवे, ठीक है, जेड़ी गल ओ गल जेड़ी दुनिया नाल बीती होवे, ओ गल जेड़ी आप नाल बीती होवे, अपने आप नू मार लेना, अपने जीवन दा हाल लिखना, आत्मकथा या स्वै जीवनी, ठीक है, शाबाश। ओ थां जेड़ी सारे पिंड दी सांझी होवे, जेड़ी गल बहुत वधा चढ़ा के आखी जाए, अति कथनी, सारयां दी सांझी मिल वी राए, सर्बसम्मति, ठीक है, किसी उच्चे आदर्श लिए अपनी जान की कुरबानी देने वाले, किसी प्रति प्रगट की श्रद्धा, किसी लेखक या कलाकार दी सब तो उत्तम रचना, शाहकार, सब दे मना नू प्यारा लगन वाला, बहुतियां कौमां नाल संबंध रखन वाला, कौमांतरी, ठीक है।
ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਅਧੀਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਾਜ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕੁਝ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰੜ ਬਰੜਾ ਬਰੜਾ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਕਰੜ ਬਰੜਾ ਕਰੜ ਕਰੜ ਬਰੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੜ ਕਰੜ ਬਰੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਕਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਰੜ ਬਰੜਾ ਕਰੜ ਬਰੜਾ ਕਰੜ ਬੜ ਬਰੜਾ ਕਰੜ ਬਰੜਾ ਬੋਲੋ ਕਰੜ ਕਰੜ ਬਰੜਾ 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 ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੜ ਬਰੜਾ ਕਰੜ ਬਰੜਾ ਕਰੜ ਬਰੜਾ ਬਰੜਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਰੜ ਬਰੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਬੋਲੋ ਦਦਿਓਰਾ ਦਦਿਓਰਾ ਠੀਕ ਆ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਦੇਸ ਠੀਕ ਆ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨਨੇਸ ਬੋਲੋ ਨਨੇਸ ਨਨੇਸ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤਾਇਆ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਪਤਿਓਰਾ ਠੀਕ ਆ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਾਈ ਜਾਂ ਚਾਚੀ ਪਤੀਸ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਫੁਫਿਓਰਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੂਆ ਫੁਫੇਸ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦਾ ਸੋਹਰਾ ਕੁੜਮ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਧੀ ਦੀ ਸੱਸ ਕੁੜਮਣੀ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਅਭੀ ਮੰਨਤ ਕਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਮੇ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ Reflex action is the quick, immediate and automatic response to a stimulus involvement of the brain. I am very happy with Indriya's performance aur inke 10 mein se 9 and a half marks aaye hain virodhi shabd ka inka test hua tha opposite words ka padhai kar li hai aur abhi hum jayenge wapas aaj badupur mein ek din ka masihi sammelan hai class ke baad abhi hum jayenge wapas the book of act Chapter 3 तीसरा बाब पहली आयत तो पढ़ेंगे पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जिज हुआ पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं मगर जो मेरे पास है वह तुझे दिए देता हूँ यीशु नासरी के नाम से चल फिर और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ ਹੈਕਲ ਮੇਂ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਲੇਜ ਬਦੂਪੁਰ ਮੇਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾ ਮਸੀਹੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਹੋਸਾਨਾ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁਝੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈਆ ਆਪਕੇ 100 ਵਲੌਗਸ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੇ ਉਨ੍ਹੇ ਹਾਂ ਮੇਂ ਜਵਾਬ ਦੀਆ ਔਰ ਉਨ੍ਹੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀ ਕਿ ਵੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੇ और बाकी लोग भी जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं हमेशा सीखते रहें परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।